चट्टी बरियातु कोल माइन से हो रहे विस्थापितों ने एनटीपीसी के दोहरे नीति से परेशान होकर चट्टी बरियातु चांदबागी मैदान में बैठक आहूत की। बैठक में चट्टी बरियातु पगार जोरदाग गांव के सैकड़ों भू रैयत शामिल हुए। सैकड़ों भू रैयत बारी बारी से अपनी अपनी बातों को रखे। भू रैयतों ने एक स्वर में कहा कि हम लोग अलग अलग कमेटियों से विलोम करने वाले आज हम लोग सब साथ हो गए हैं और हम लोग कोल कंपनी का विरोध नहीं करते हैं। एनटीपीसी त्रिपक्षीय वार्ता करे, विस्थापित हो रहे लोगों की मांग पूरी कर कोयला खनन कार्य शुरू करें। वहीं भू रैयतों की मांग पूरी किए बिना एनटीपीसी पांव पसारना शुरू कर चुकी है, जो रैयतों के लिए आत्मघाती साबित हो रहा है। एनटीपीसी विस्थापितों की मांग पूरी नहीं करती तब तक हम लोग कंपनी का विरोध करते रहेंगे। विस्थापितों की मांग इस प्रकार है, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू करें। विस्थापित तथा प्रभावित रैयतों द्वारा हक अधिकार मांगने पर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई या परेशान करना बंद करें। पुनर्वास नीति के तहत विस्थापितों के कच्चे तथा पक्के मकानों के मुआवजे माइंस खोलने से पहले एक मुश्त में करें। चट्टी बरियातु एनटीपीसी कोल माइंस से हो रहे विस्थापितों को पूर्ण आवास नीति तथा किरेडारी प्रखंड क्षेत्र में ही पुनर्वासी किया जाए। कोल माइंस से हो रहे विस्थापितों प्रभावितों का रोजगार सुनिश्चित करें। विस्थापितों की मूलभूत सुविधाएं कंपनी खोलने से पहले मुहैया कराएं। कंपनी द्वारा शोषित थक बिचौलियों तक के लोगों को कंपनी संरक्षण देना बंद करें। किरेडारी से संवाददाता ज्ञान कुमार पासवान की रिपोर्ट। किसी अपना कोल खनन कार्य करने जा रही है और आज तक जो है सो अपने अपने जो है सो मोर्चा संभाल के खंडित होके अपना विस्थापित का जो है सो लड़ाई लड़ते आए लोगों और आज जो है सो एकजुटता का परिचय दिए हैं और सब लोग एक संगठित होकर एनटीपीसी को जो है सो अपना मांग पर अड़िग रहने का जो है सो संकल्प किए हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे? मैं मनोज कुमार गुप्ता कोल खनन विस्थापित प्रभावित समिति का अध्यक्ष था, लेकिन हम लोग पहले हर ग्रुप अलग अलग ग्रुप चला रहे थे, लेकिन हमारे कुछ यहाँ के बिचौलिए भाई लोग एनटीपीसी ऋत्विक कंपनी से जाकर समझौता कर लिया और जंगल झाड़ी काटने का काम किए। मैं महसूस किया कि इस तरह से आपस में बिखराव रहेगा तो कुछ लोग हमारे गांव के लोग को बेचने का काम कर रहे हैं, उनका मनसूबा पानी ना फिरे, इसलिए हम लोग जो भी ग्रुप जो थे आपस में हम लोग समझौता करके एक मंच में अब चलेंगे, इसलिए हम लोग इस मंच का साझा बैठक किए हैं और आगे का जो भी लड़ाई लड़ेंगे हम लोग साझा मिलकर लड़ेंगे। आपके बैनर क्या, कौन सा बैनर तले के? कोल खनन विस्थापित और प्रभावित समिति चट्टी बरियातु। थैंक यू। पाएंगे? बिल्कुल, मैं प्रेम रंजन कोल खनन विस्थापित प्रभावित समिति का मैं सचिव हूँ और मेरा कमेटी कल भी सेवा में था जनता में, आज भी और कल भी रहेगा और मैं इस कमेटी की ओर से और तमाम चट्टी बरियातु जोरदाग पगार के सभी भूरतों से मेरा आग्रह और कमेटी की ओर से और जो आज हम लोग एकजुटता का परिचय दिए हैं, जो भी स्थिति होगा हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं और जब तक यहाँ को जनता का हक और अधिकार नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। चाहे किसी भी परिस्थिति में यहाँ के बिचौलिए लोग काम करे उसको हम लोग कतई करने नहीं देंगे। जब तक जिला प्रशासन के साथ हम लोग को वार्ता नहीं हो जाता है तब तक हम लोग किसी भी परिस्थिति में काम नहीं करने देंगे। या तो जोरदार एक मत एक मंच में एक साथ हैं और रहेंगे और एक साथ मत के लड़ेंगे। तो हमारा कहना है कि एनटीपीसी जब से यहाँ आया तब से हम लोग को धुरवा बना दिया और जमीन ठग ठग कर ले लिया, लोग कारण बस बने ले लिया कि यहाँ जमीन बिक्री नहीं होगा। तो 2000 हमारा कहना है कि 2013 का कानून लागू करे और 13 सूत्री जो हमारा मांग है उसका पूरा करे। जैसे कि पंचायत में जहाँ माइंस लगना है उस पंचायत की मेरी पत्नी मुखिया है, मेरा दायित्व तो बनता है कि तीनों गांव के भूरैयत को जो सरकार द्वारा मूलभूत सुविधा है जो भुगतान की राशि है दिलाना। एनटीपीसी पूर्व में जीएम लैंड का बात करके रक्साही टोला में एक उपायुक्त महोदय के सामने बैठक हुई थी, उसमें बोला गया था कि 30 वर्ष से जिनका जोत कौल कागज़ पत्र है उनको रैती की मुआवजा दिया जाएगा। ऐसा एनटीपीसी करके दिखाया है। हमारे ही गांव के श्री ब्रजमोहन गुप्ता को 6 एकड़ गैरमजरुआ जमीन का भुगतान दिया है, पूर्व में हमारे ही माइंस अंदर में उनको भुगतान दिया गया है। तो
मैं पूछना चाहता हूं कि जो है, और उसके बाद उनको 15 लाख रुपए की भुगतान दिया गया और उनका भी भुगतान रोक दिया गया है। दूसरी चीज कहना है कि जमीन सत्यापित करना है तो जमीन सत्यापित करना यह सरकार की काम है, प्रशासन की काम है, न कि जो है सो पब्लिक का काम है। जांच कर जमीन सत्यापन कर उसका भुगतान करें। हमारे विस्थापित लोग यहां से कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, उसका व्यवस्था करके जनता को बताने का काम करें। 100% पेंशन चालू करें। यहां का रोजगार एनटीपीसी का, पूर्व में कहना था कि एनटीपीसी नौकरी नहीं देती है, लेकिन यहां जो मूलभूत सुविधा और रोजगार जो वर्कर्स होंगे वो कितना होगा कंपनी ये तय करे। उस दिन पूर्व 26 जनवरी जो सारे देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था और रात में 12 बजे रात मायोबंदी एमसीसी का बंदी में जंगल में 2 JCB के लेके मात्र 8 आदमी इस गांव के टूट के आपराधिक तत्व के आदमी 8 आदमी जाकर और जंगल कटवाने का काम किया और 500 जनता यहां के चट्टी पगार और जोरदार को जो घेर कर जो है सो उसको पकड़ा, जंगल काटने का विरोध किया। मैं कंपनी का विरोध नहीं करना चाहता हूं। हमारा व्यवस्था बैठ के बात कर ले, तीनों गांव के प्रबुद्ध लोगों से, रैयतों से बात कर ले और सारी मांगों को हम लोगों को पूरा करे और उसके बाद जो है सो पूजा पाठ कर कर एक साथ जो है सो काम करे तो अच्छा है, न कि चोर के जैसा जो है सो काम करावे तो ये खून खराबा होगा। तो इसकी पगार में गोली चलने का काम हुआ, वहाँ जो है सो हमारा एक भाई शहीद हुआ और कितने को अनेकों को जो है सो गोली लगा। जहाँ तक बात है रोजगार की तो ये आह्वान करते हैं कि रोजगार का जो है सो क्लियर करें, यह ना कि कोई किसी चीज़ को ढांक कर नहीं रखे, सब जनता के सामने क्लियर करें, हम लोग अपने तय कर लेंगे। मेरा एक चीज़ कहना है कि जब सभी बंधु एक हैं, सभी एक मंच पर हैं, सभी का एक ही नारा है कि हम भू रैयत एक साथ हैं और अपना हक और अधिकार लेंगे। मैं सरकार के नियम के अनुसार उनसे सब चीज़ सरकार ये जो आज का धरना है चट्टी बारी आतू की सरजमी पे, तो कहीं ना कहीं एनटीपीसी की गलत नीतियों के कारण आज ये जनता एकत्रित हुई है चट्टी बारी आतू जोरदार कचरा पगार गांव की जनता। एनटीपीसी ने जनता से बिना बात किए हुए ही कोल खनन क्षेत्र में जंगल झाड़ी कटवाने का कार्य किया है, तो जनता का जो एक विश्वास है एनटीपीसी के ऊपर से उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि माइंस खुलेगी उसके पहले यहाँ पे नौजवानों का रोजगार, विस्थापन की नीति, गर्मजरुआ भूमि का पेमेंट, बहुत सारे यहाँ पे गरीब लोग हैं जिनके पास जमीन का पट्टा नहीं है, कागजात नहीं, वो रह रहे हैं, उन्हें कैसे पुनर्वास मिलेगा, कैसे रोजगार मिलेगा, ये विभिन्न तथ्यों पे कोई भी प्रकाश नहीं डाला गया है। और एनटीपीसी प्रबंधन के माध्यम से 26 जनवरी के दिन, जो हमारे देश के गणतंत्र का एक महान पर्व का दिन है, उस दिन अपने बिचौलिए गंदे असामाजिक तत्वों के माध्यम से जो कार्य किया है बहुत ही घिनौना है, उसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूँ। और ऐसी दमनकारी नीति के साथ अगर एनटीपीसी आएगी तो हम सभी जनप्रतिनिधि, इस क्षेत्र के जितने भी हैं, जिला परिषद, मुखिया, पंचायत समिति और सारे जनता जनार्दन, हम सब मिल करके एनटीपीसी के खिलाफ गोलबंद होंगे। आज पूरे गांव गोलबंद है, पूरा क्षेत्र गोलबंद होगा और एनटीपीसी को हम लोग यहां से सबक सिखाने का काम करेंगे। सर आज तक सभी अपने अपने मोर्चे संभाल कर जो है सो लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आज एकजुटता का परिचय दिया, कितने लोग यहां पे आज पूरे जोरदार चट्टी बारी अतू और पगार, ये तीनों गांव जो चट्टी बारी आतू कोल खनन परियोजना के अंतर्गत आते हैं, ये सभी एक मंच पे अपनी समर्थन को दिए हैं इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के आने वाली स्वर्णिम भविष्य के लिए, यहाँ के नौजवानों के रोजगार के लिए, और यहाँ एक अच्छी नीति के साथ कंपनी आए, इसको लेकर के सब एक मंच पे आए हैं। सर कंपनी को क्या विरोध कर रहे हैं या फिर बुला रहे हैं या? हम लोग कंपनी का विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी का विरोध अगर यहाँ की जनता करती तो जमीन देती ही नहीं, उसकी गंदी नीति का विरोध कर रहे हैं, उसका जो एक असंवैधानिक नीति है उसका विरोध कर रहे हैं। कंपनी आपस में लड़वाने का काम कर रही है, उसकी जो स्ट्रैटेजी वो कहीं क्लियर दिख नहीं रही है, वो डार्क में रख कर ये काम करना चाहती है, तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है? कुणाल किशोर दुबे, जिला परिषद प्रतिनिधि, केरेडारी उत्तरी। जनता एकजुटता का परिचय दी है और आप यहाँ का